मैडम मेरा नाम है सुरेश चौधरी जी। मेरा नाम है सुरेश चौधरी और मैडम मैं छोटे से गांव से आता हूँ, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि पैसे दो नौकरी दो, है ना जी। ये मैडम हमने फील किया हुआ है, इसीलिए हम लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, क्योंकि पैसे दे के अगर नौकरी मिल रही है ना, तो हम तो बड़े गरीब घर से आते हैं जी, है ना। हम पैसे कहाँ से देंगे, हम तो मेहनत कर सकते हैं एक जॉब के लिए, एक छोटी सी जॉब के लिए हम मेहनत कर सकते हैं जी। और मेहनत की भी जी, मेहनत करने के बाद भी अगर इंसान की जॉब ना लगे और कोई पैसा दे के नौकरी ले ले जी, तो मैडम गुस्सा हर किसी को है। किस तरह से आप बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि पैसे देकर लोगों ने मैडम, क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं जो एक आदमी, आप ही, हर इंसान समझदार है, लेकिन एक इंसान पूरे दिन में स्कूटर ठीक कर रहा है जी। उसके 95 मार्क्स आ रहे हैं और एक आदमी 6 घंटे दिन में पढ़ रहा है। 6 घंटे पढ़ना बहुत, बिल्कुल मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छी बात भी है और बहुत ही मुश्किल भी बात भी है, क्योंकि 6 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात है। और पढ़ के वो इंसान ला रहा है 62 मार्क्स जी। और मेरी क्वालिफिकेशन है BSc IT जी। BSc की हुई है मैंने IT में जी, ठीक है। और वो इंसान ला रहा है 62, एक स्कूटर ठीक कर रहा है पूरे दिन में। वो मैं नहीं बोलता कि इसको गलत, लेकिन वो घर जाके पढ़ेगा, कितनी देर पढ़ेगा जी, पूरे दिन का थका होगा, 1 घंटा पढ़ेगा। मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 62 ला रहा हूँ, वो 95 ला रहा है। कैसे ला रहा है, क्यों नहीं ला रहा? एक तो आपकी मेन डिमांड क्या है अब? सर हमारी डिमांड यही है, जहाँ तो हमने पहले भी प्रोटेस्ट किए थे, हमने बोला था कि इस जो भी लिस्ट आई है इसके बारे में इंक्वायरी की जाए जी, किसी ने नहीं की। अब भी हम बोल रहे हैं जहाँ तो इंक्वायरी करो, अगर इंक्वायरी नहीं कर सकते तो जिन्होंने मेहनत की हुई है, जैसे हम बार बार आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें भी लो। अगर वो इंसान लग सकते हैं पैसे देके, तो हमने तो मेहनत की हुई है। क्या लगता है जो लिस्ट आउट हुई है उसमें कहीं ना कहीं घपला है, या यूं कहेंगे ट्रांसपेरेंसी नहीं है उस लिस्ट में? बहुत बड़ा घपला, नेशनल लेवल पे जैसे बोलते हैं ना कि कोयला घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया। अगर मैं इतनी बात की गारंटी देता हूँ, अगर ये बात हमारे इंक्वायरी बैठे, जम्मू कश्मीर का 370 टूटने के बाद सबसे बड़ा स्कैम है फायर एमरजेंसी का, जिस दिन इस पर इंक्वायरी बैठेगी, आज बोल रहा हूँ जिस दिन बैठेगी, उस दिन पता लगेगा कि सबसे बड़ा घपला 370 टूटने के बाद फायर एमरजेंसी स्कैम था। आपको लगता है आपकी आवाज ऊपर तक जाएगी, इस पर कोई इंक्वायरी बैठेगी? लगता नहीं। CBSE एफिलेटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।